Hello friends. In the last lecture, we discussed about the differentiation of some algebraic function. So friends, today we are going to discuss the differentiation of trigonometric functions. Okay friends. In exercise one point one, chapter number first, differentiation, exercise one point one, in which the question second, differentiate the following function with respect to x. In which this is the first sub question. Y equal to cos of x square plus a square. So

यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस साइन ऑफ बट यहाँ पे x के अलावा कौन सा फंक्शन है दिस टोटल फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सो जो भी x के अलावा फंक्शन है उसका हमें फिर से डेरिवेटिव लेके मल्टीप्लाई करना होता है इसका मतलब हम लेंगे डेरी ऑफ एक्सक्वायर प्लस ए स्क्वायर ये दोनों फंक्शन एडिशन से अटैच है इट मीन्स हमें एडिशन का डेरिवेटिव का रूल यूज करने पर, करना पड़ेगा यहाँ पे दिस फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखेंगे उसके बाद ये दोनों फंक्शन को सेपरेट डेरिवेटिव करेंगे बिकॉज वी नो द डेरिवेटिव ऑफ यू प्लस वी एंड यू माइनस वी दैट इज द सेपरेट द डेरिवेटिव टू ईच टर्म मीन्स हम यहाँ पे दोनों टर्म को सेपरेट डेरिवेटिव लेंगे और डेरिवेटिव ऑफ स्क्र विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इनमें से x टू नंबर अगर हुआ तो x टू नंबर इसका मतलब हमें यूज करना होता है ऑफ x डॉप टू n और आपको पता है x टू n का डेरिवेटिव होता है n इंटू एक्सरेस्टू एन माइनस वन और यहाँ पे ए स्क्वायर मतलब कांस्टेंट टर्म है और आपको पता है डेरी ऑफ कांस्टेंट ऑलवेज क्या होता है जीरो होता है हम दोनों फॉर्मूले फार्मूले स्टेप पे यूज करेंगे फर्स्ट जो टर्म है वो एज इट इज लिखेंगे वो साइन ऑफ माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हमें एज इट इज लिखना होगा उसके बाद यन इंटू यन मतलब क्या है इधर टू टू इंटू एक्स टू टू माइनस वन टू माइनस वन इज वन एंड वन लिखने की जरूरत नहीं है और प्लस यहाँ पे कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या लिखेंगे हम बाय दिस फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट जीरो सो यहाँ पे जीरो आएगा और यहाँ पे टू एक्स प्लस जीरो कितना हो जाएगा टू एक्स और इन जनरल अगर नंबर हो सिंगल टर्म हो तो वो आगे लिखना होता है मतलब माइनस जरूरी नहीं है आप आगे लिखो लेकिन इन जनरल फॉर्म में हम कॉन्स्टेंट टर्म आगे लिखते हैं अगर कोई साइन हो तो भी आगे लिखते हैं इसका मतलब हम माइनस टू एक्स इन यहाँ यहां पर रिमेनिंग जो भी टर्म है हमारी साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये जो भी हमें मिला वो हमें रिक्वायर्ड डेरिवेटिव मिला मतलब जो भी हमें पूछा था वो कॉस ऑफ वो फंक्शन का डेरिवेटिव हुआ डीवाईड बाई डी एक्स इक्वल टू दिस ओके सो हम और एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे अगर आपको इससे ज्यादा एग्जाम्पल की जरूरत हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ सॉल एग्जाम्पल अटैच करूंगी आप वो देख लीजिए और वीडियो में भी कुछ लेने के ट्राई करूंगी ओके सो so, हमें सेकंड एग्जाम्पल लेना है वो है लॉगरिथमिक फंक्शन लॉगरिथ्मिक मीन्स हमें अगर दिया है लॉग ऑफ टेन ऑफ x by 2, ओके okay? सो so, log of tan of x by 2. जो भी है हमें स्टार्ट करना है गिवन फंक्शन को y डिनोटेशन देके सो y equal to गिवन फंक्शन उसके बाद क्या करेंगे हमारा जो भी क्वेश्चन है differentiate this फंक्शन with रिस्पेक्ट टू x. सो so, हमें differentiate करना है और डिफरेंशिएट ऑफ y. y का डेरिवेटिव होता है डीवाईवाई डी एक्स क्योंकि हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं और यहाँ पे आउटर मोस्ट फंक्शन क्या है log सो so, हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा log का और आपको पता है डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या होता है यून ऑलवेज डेरिवेटिव ऑफ लॉग x वन अपॉन एक्स अगर आपने फॉर्मूले देखे नहीं है तो हमारा फर्स्ट वीडियो टोटली फार्मूले के ऊपर डिपेंड है ओके वो आप देख लीजिए सो डेट ऑफ लॉग एक्स वन अपॉन एक्स सो वन अपॉन एक्स के अलावा यहाँ पे कौन सा फंक्शन है ऑब्जर्व कीजिए टेन ऑफ एक्स बाय टू मतलब हमें वन अपॉन एक्स के अलावा लिखना पड़ेगा क्या लिखेंगे हम x के अलावा tan ऑफ x बाय टू उसके बाद हम क्या करेंगे tan ऑफ x बाय टू का फिर से डेरिवेटिव लेंगे क्योंकि हमारा रूल है चेन रूल कि x के अलावा जो भी फंक्शन है उसका फिर से डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करो ओके सो डेरिवेटिव ऑफ टेन ऑफ समथिंग इसका मतलब हम क्या करेंगे इधर टेन ऑफ x का फार्मूला यूज करेंगे और हमें टेन ऑफ x का फार्मूला पता है दैट इज सेक्स स्क्वायर एक्स सो इधर हम यहाँ पे सेक्स स्क्वायर एक्स फार्मूला यूज करके दिस फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखेंगे वन अपॉन टेन ऑफ एक्स बाय टू एज इट इज होंगी उसके बाद डेरिट ऑफ टेन हमें पता है सेक्स स्क्वायर एक्स बट अगेन हियर एक्स के अलावा कौन सा फंक्शन है यस इट इज एक्स बाय टू मतलब एक्स के अलावा अगर फिर से कोई फंक्शन है तो आपको फिर से उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करने की जरूरत है इसका मतलब हम एक्स बाय टू के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू वन इंटू सेक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स बाय टू अपन दिस टेन ऑफ एक्स बाय टू एज इट इज इंटू फिर से दिस वन अपॉइंट टू इज कॉन्स्टेंट सो कॉन्स्टेंट अगर हुआ तो वो डेरिवेटिव के बाहर निकालना है मतलब फॉर्मूला yes, मतलब, so, पता है वो क्या होता है एक्स होता है सॉरी वन होता है इसका मतलब ये आप इसकी वैल्यू क्या आएगी वन आएगी इसका मतलब हम फाइनली हमें डीवाई बाई डी एक्स क्या मिलेगा मल्टीप्लाई करना है सिंपली वन इंटू वन इंटू वन वन इंटू सेक्सर मतलब यहाँ पेट न्यूमरेटर एंड इज द इजर टू टैन ऑफ मीन टू टैन ऑफ एक्स बायू रिक्वायर्ड डेरिवेटिव इस तरह आपको ट्रिग्नोमेट्रिक लॉगरिथमिक और जो भी एक्सपोनेंशियल है और एग्जाम्पल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और अगर बोर्ड के लिए कोई एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है तो हम और नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे ओके सो फ्रेंड्स watch this video pause for the your notes and if you want more example please suggest in a description box or please comments your examples i will always try to solve or i will always try to prepare for you okay friends thank you